हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2023 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली जून को बुध का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है, राहु और गुरु भी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और बुध का गोचर दूसरे भाव में शुभ माना जाता है। सूर्य तीसरे भाव में है और ये शुभ गोचर में है। मंगल और शुक्र पंचम भाव में है, चंद्रमा और केतु अष्टम भाव में है, शनि बारहवें भाव में है। शनि की 7.5 का पहला फेस चल रहा है। मीन राशि जल तत्व की राशि मानी जाती है। यहाँ पर शनि का बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता। शनि जब इस राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वो फल ज़रूर प्रभावित होते हैं। अभी बुध शुभ गोचर में है, लेकिन 7 जून को ये तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो ये शुभ नहीं रहेंगे। सूर्य 15 जून को राशि बदलेंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे, ये गोचर भी शुभ नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी गुरु है। गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव में जब गुरु जाते हैं तो गोचर में शुभ हो जाता है। आय भाव के स्वामी शनि दूसरे भाव में चले गए, ये ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। खर्चे बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़ा यदि आपका कोई काम है तो वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई अड़चन का सामना करना पड़े। अगले 2.5 महीने तक ऐसा ही समय रहेगा। सप्तम भाव से रिलेशनशिप देखी जाती है। सप्तम भाव का स्वामी बुध अपने से अष्टम भाव में चले गए। पार्टनर के साथ बेवजह की लड़ाई में ना पड़ें, इसके बावजूद हो सकता है थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो जाए। जून के महीने में हो सकता है सिंगल का कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, यानी अगर आप सिंगल हैं तो आपका विवाह तय हो जाए। हेल्थ भाव में स्वामी सूर्य है। सूर्य शुभ गोचर में नहीं है। राहु देख रहे हैं 6ठे भाव को, शनि की दृष्टि में 6ठे भाव के ऊपर है। वाहन थोड़ा सा धीमा चलाएं, खान पान का थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बुध और गुरु दोनों अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध का गोचर शुभ नहीं है और आपको इसके परिणाम देखने को थोड़े बहुत मिल सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाहन अच्छे से चलाएं ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।